सर जैसे बस रतलाम से आ रही थी तो ट्रक और दोनों आमने सामने बहुत स्पीड से ठुके थे। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये जवाहर टेकरी के साईं मंदिर के जस्ट पास में। बस कहाँ से आ रही थी? बस रतलाम से आ रही थी, हम लोग बेटवा से बैठे थे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? मैं दिल्ली अप डाउन करता हूँ। आपका नाम बता दो। सुरेश सोलंकी। कितने लोग घायल हुए हैं आपके? कम से कम 30 से 40 लोग हैं। बस में 30-40 लोग थे? हाँ, पर उसमें ज़्यादा कर दो, एक दो तो आदमी स्मार्ट हो भी चाहे हो चुके होंगे। उसमें मेरे एक मित्र थे, उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए वर्मा यूनियन में। क्या नाम है आपका? अभिषेक पाटिल। कहाँ के रहने वाले आप? बदनावर। आप कहाँ जा रहे थे जी? आप कहाँ जा रहे थे? यही इंदौर एग्जाम देना था। कल एग्जाम देना थे? काई एग्जाम थी? फार्मेसी की। फार्मेसी की। आप कहाँ रहे थे? बदनावर तहसील में। आप रतलाम से आने वाले थे? बदनावर तहसील में रहते हैं। आप बस में कहाँ से बैठे थे? बदनावर से ही बैठे थे। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ कुछ मालूम है आपको? आगे से ट्रक आया, शायद ओवरटेक के चक्कर में वो ठोक दिया, तो बस का एक साइड तो पूरा हिस्सा ही अंदर घुस गया। आपका नाम बता दो। अभिषेक पाटिल। कहाँ रहते हैं आप? बदनावर तहसील रूपाखेड़ा। रूपाखेड़ा। आपका क्या नाम है? नमन द्विवेदी। आप कहाँ रहते? 112 मीरापुरी इंदौर। आप कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे? मम्मी आ रही थी रामबड़ोलिया से, गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। रामबड़ोलिया से आ रही थी। हाँ। रोज आती है, तो एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पास फोन आया। अच्छा। मैं कलेक्टर ऑफिस में था, तो भागते हुए वहाँ गया। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? शकुंतला देवी। आपका क्या नाम है? आशीष पाठक। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो इंदौर से जा रहा था, मेरा ड्यूटी था। इंदौर से बेटमा से इंदौर आ रहा था। क्या नाम आपका? आशीष पाठक। सर अभी बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कितने घायल अपने वहाँ आए? 18 घायल। इसमें मेल कितने, फैमिली कितने? पाँच फीमेल है, 12 मेल है और एक बच्चा है। बच्चा। कैसी स्थिति की सर? इसमें करीब 4 को फ्रैक्चर वगैरह है। अच्छा। ऐसा महसूस हुआ है जी। और एक सस्पेक्टेड है और 13 सिंपल है। अच्छा। तो इन घायलों को सभी को कहाँ पहुँचा अभी? यहाँ से पहुँचा करने के बाद इंक्वायरी। इसमें कोई गंभीर भी सर? चालू गंभीर। ये एक्शन कहाँ हुआ कुछ मालूम पड़ा आपको? जवाहर टेकरी के पास में साई मंदिर है, उसके आसपास बस और डॉक्टर की आपस में टक्कर हुई थी। आप आना बता। मैं डॉक्टर जी एस सीनियर सर्जन। ऐसा बता रहे कि डीएम साहब वगैरह भी आए थे, परेशानी करिए बहुत सारे थे, CMHO साहब भी आ गए थे। नेचुरल ये है कि जब ऐसे कोई पास फैसिलिटी होती है तो अधिकारी पूछते हैं। साहब भी आए थे, CMHO साहब भी आए थे और जिले के और भी अधिकारी आए थे। घटना सूचना मिलते सभी लोग आ गए। उसके अलावा जो यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी मास्क के ड्यूटी में देखते हुए। इसमें डॉक्टरों टीम भी लगी, कितने डॉक्टर लगा गए थे? 4 डॉक्टर और आ गए थे।